गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाहू क्लासेज में स्वागत है। आज ये इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू जीके का ये लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम सभी लोग संघीय मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद प्रावधान और कौन कौन से जो संघ के मंत्री हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है और कैसे उनका जो है उनको पदच्युत किया जा सकता है, आदि सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चूँकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर नंबर 18, इससे पहले हमने 17 लेक्चर इंडियन पॉलिटी ऑब्जेक्टिव के दिए हैं जो कि लूसेंट पे आधारित हैं। और जो भी इसमें क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इधर जो लोग जो है एनसीईआरटी वन लाइनर ना देखे हों तो उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर आप ऑब्जेक्टिव करें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है या जो नहीं पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें PYQP क्वेश्चन शामिल हैं तो चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यथार्थ में कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वह निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो जो यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता है वह दोस्तों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ए का राइट ऑप्शन होगा, एक यानी पहला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता की जाती है, यानी प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न, मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रसाद प्रयत्न पद आसीन रहता है। तो इसमें चार विकल्प में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और दोस्तों राइट ऑप्शन है आपका लोकसभा, यानी राइट ऑप्शन आपका बी है लोकसभा, तो लोकसभा है। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है वो संसद का सदस्य होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, यानी चार नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है। चार ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग वन लाइनर अगर पढ़े होंगे तो फिर इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पांच नंबर कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो आपको चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन दोस्तों ये विकल्प है हाँ। यदि राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो वह मंत्रिपरिषद का सदस्य माना जाता है। इस हिसाब से पांच नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ए विकल्प है राष्ट्रपति, यानी जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो मंत्री रह सकता है वह दोस्तों 6 महीने तक रह सकता है। मान लीजिए लोकसभा का सदस्य और उसे मंत्री बनाया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि राज्यसभा का सदस्य तो उसे 6 महीने तक मंत्री पद बनाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो ये राइट ऑप्शन होगा बी, 6 महीने। और यदि सदस्य नहीं बनता है तब भी उसे 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी ही होगी। ये SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो आपके चारों विकल्प में है वो आपका डी विकल्प है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी होती है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी विकल्प है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। यानी मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है वो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। तो नाइन नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प होगा। दोस्तों जिन लोगों ने वन लाइनर NCERT वन लाइनर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अगर देख लेते हैं तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी हमने NCERT कवर कर ली है, उसके बाद ही ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो वो दोस्तों
जो मंत्री होते हैं वह तीन स्तर के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं। एक तो कैबिनेट मंत्री शामिल है, राज्य मंत्री और जो उप मंत्री होते हैं वह भी शामिल होते हैं, उप मंत्री जो है वो भी शामिल होते हैं, और साथ ही साथ आपके राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन जो संसदीय सचिव होते हैं ये मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वह डी विकल्प होगा। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे बड़े स्तर के जो मंत्री होते हैं उससे छोटे और लास्ट में सबसे छोटे, तो ये आपको आरोही क्रम में यानी उनका क्रम निर्धारित करना है, बताना है। तो जो इसमें सबसे बड़े जो होते हैं वो केंद्रीय यानी कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बाद जो है राज्य मंत्री आते हैं, और राज्य मंत्री के बाद में उप मंत्री आते हैं। तो राइट ऑप्शन 12 का होगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं, जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसमें जो मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका जो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर भी बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो वो दोस्तों 6 महीने तक आसीन रह सकता है, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, 6 माह तक। कई बार क्वेश्चन UPSC 92 में क्वेश्चन पूछा गया है, BPSC 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो उसे मंत्री के पद से दोस्तों 6 महीने के बाद उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, और 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा, 6 माह। ये भी UPSC 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको अनुच्छेद बताना है, और 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, और चारों में जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वो आपका अनुच्छेद 75 है, यानी राइट ऑप्शन आपका डी होगा, 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और ये UPSC 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 किन विषयों पर विचार करता है। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ए विकल्प, मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 74 और 75, ये मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों पर विचार करता है। तो राइट ऑप्शन 18 का ए है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी 18 नंबर SSC 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह बी विकल्प है, लोकसभा। लोकसभा के प्रति जो है संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। ये भी RRB स्टेशन मास्टर 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या है, ये आपको बताना है। और 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो कैबिनेट से बड़ा निकाय है, राइट ऑप्शन सी है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर जो सदस्य होते हैं वह लिए जाते हैं। तो अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, वो दोस्तों लोकसभा से लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो संघ के मंत्रिपरिषद होते हैं वो ज़्यादातर लोकसभा के मेंबर होते हैं जो कि मंत्रिपरिषद का पद ग्रहण करते हैं। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि UPSC 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। मंत्रिपरिषद का जो गठन करता है वह दोस्तों सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी, केंद्रीय मंत्रीगण। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री की क्या स्थिति है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। 4 ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन चुनना है, और राइट ऑप्शन दोस्तों आपका डी विकल्प है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो 23 का राइट ऑप्शन डी है। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
चौबीस नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव, यानी पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, ये आपको बताना है। और 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह सी विकल्प है, 1963 में, 1963 में पहला मंत्रिपरिषद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए 1982 में, 84 में, SSC 2010 और UPPCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों है लोकसभा, यानी सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 25 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यथार्थता मंत्रिपरिषद कब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्रस्ताव यानी विश्वास प्राप्त हो। तो 26 नंबर में चार विकल्प दिए हैं और चारों का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों वो आपका डी विकल्प है, लोकसभा। लोकसभा जो है इसमें यहाँ फिल किया जाएगा लोकसभा, उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। 27 नंबर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के जो वित्तीय कार्य हैं यानी जो फाइनेंशियल वर्क हैं उसमें शामिल हैं, तो उसमें कौन शामिल है ये आपको बताना है। और 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों ए विकल्प है, बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ये वित्त मंत्री का कार्य होता है। तो बजट तैयार करना और बजट तैयार करके संसद में पेश करना, तो 27 का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 28 नंबर कह रहा है कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसे वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो चार विकल्प में आपको जो राइट ऑप्शन है वो चुनना है और राइट ऑप्शन है दोस्तों ए, अर्थात वो वक्तव्य दे सकता है। हाँ, यानी 28 का राइट ऑप्शन है ए विकल्प। और फिर हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों है ए विकल्प, यानी किसी मंत्री के पद त्याग से, अगर कोई एक मंत्री पद त्याग करता है तो मंत्री पूरी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन ये है। 30 नंबर कह रहा है मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसी अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी जो मंत्री है और वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र सौंपेगा। तो 30 नंबर में चार विकल्प दिए हुए हैं और चारों का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है मंत्री अपना पद त्याग करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी संघ के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों। और इसका जो राइट ऑप्शन है वह 31 नंबर का बी विकल्प है, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसके कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये अपकम एग्जामों के लिए, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए और देखने के साथ साथ जो है आगे जो NCERT की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप देख लीजिए। तो ये है कि क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल, शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का आपको अर्थ बताना है, शून्यकाल का अर्थ बताना है। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, प्रश्न उत्तर सत्र। जो प्रश्न उत्तर सत्र है ये आपका शून्यकाल का जो समय होता है उसमें प्रश्न और उत्तर का सत्र होता है और ये BPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो 33 नंबर का राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका डी विकल्प, मंत्रिपरिषद के पास, और ये SSC 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो 34 नंबर का राइट ऑप्शन है डी विकल्प, हाँ किया जा सकता है,
बट उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। यानी इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका 34 का डी विकल्प है, ये भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। 35 नंबर करा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है आपका सी विकल्प, लोकसभा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है जिम्मेदार होता है। 36 नंबर कह रहा है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के पद ये भी आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 37 नंबर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प में दोस्तों राइट ऑप्शन है कि वह निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करता है और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करता है, अर्थात 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा, उपयुक्त दोनों पर। 38 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की प्रथम मंत्रिपरिषद की जो बनाई गई उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य मंत्री बनाए गए थे, ये आपको बताना है। और 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह सी विकल्प है, यानी 36, कुल 36 मंत्री बनाए गए थे। 39 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। और 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी विकल्प है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ये एकमात्र महिला मंत्री थी जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में चुनी गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है प्रतिरक्षा मंत्री कौन थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री आपको बताना है। और 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह प्रथम जो है प्रतिरक्षा मंत्री बनाए गए थे। 42 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपको बताना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और राइट ऑप्शन आपका 42 का ए है, आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बनाए गए थे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री थे वो कौन थे, पहले कानून मंत्री कौन बनाए गए थे। 43 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहला कानून मंत्री बनाया गया था प्रथम मंत्रिमंडल में, और ये झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 44 नंबर कह रहा है कि कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, तो पहले गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। और 44 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी विकल्प है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले जो है गृह मंत्री बनाए गए थे, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो ये आपको बताना है। और 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले मंत्री थे जो कि पद त्याग करने वाले, संघ के मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाले पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो है यही थी जो कि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी सबसे लंबी अवधि तक। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे, तो 47 नंबर का आपको राइट ऑप्शन बताना है, और राइट ऑप्शन 47 का सी विकल्प है, जगजीवन राम। ये मंत्री हैं जगजीवन राम। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम अवधि यानी मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, ये आपको बताना है। और 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वह बी विकल्प है, एच आर खन्ना। एच आर खन्ना मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है,
तो 49 नंबर का आपको राइट ऑप्शन बताना है, और 49 का राइट ऑप्शन दोस्तों सी विकल्प है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। और 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। पहला कथन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। और दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो दो कथन दिए हुए हैं और इन कथनों पर विचार करके आपको सही कूट का आंसर चुनना है। तो 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही। इसमें कह रहा है कि केवल लोकसभा, तो लोकसभा से नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंत्री बनाए जाते हैं। अगला दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत है और ये आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, आपके दो बच्चे हैं, दो तीन, उनको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 51 नंबर कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं और आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो कथन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये तो राइट है, और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये गलत है। तो इसमें कह रहा कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन इसका 51 का सही है, फर्स्ट विकल्प सही है, यानी केवल फर्स्ट। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। और इसमें जो है कथन दिए हुए हैं, तो कथन इसमें देखते हैं, ये थोड़ा हमें लग रहा है मिसप्रिंट है क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें भी जो है दूसरा कथन कह रहा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, सही या गलत। तो इसमें अगर ये देखा जाए तो ये दूसरा तो सही नहीं है, तो इस हिसाब से इसका डी विकल्प होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, फर्स्ट कथन लग रहा है इसमें से। अच्छा, फर्स्ट कथन दिया हुआ है यहाँ कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, ये गलत है, पहला वाला गलत है। और दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये भी गलत है। तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, यानी 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा, 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन इसमें ये कह रहा है, एक मिनट देखते हैं, पहला तो गलत है, 52 नंबर का पहला कथन तो गलत है और दूसरा सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी विकल्प, केवल और केवल दो सही है। ये आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब आपको बताना है। और चार भारत के केंद्रीय मंत्री दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन रहे हुए हैं। तो ये आपको राइट ऑप्शन बताना है, और 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, ये सभी केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं, यानी पीवी सिंह भी रह चुके हैं, आर वेंकट रमन भी रह चुके हैं, वाई वी चौहान भी रह चुके हैं, और प्रणब मुखर्जी भी, यानी ये चारों लोग केंद्र के वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 53 का डी, 1, 2, 3, 4, यानी ए भी आई 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है कथन और कारण का, 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में दो वक्तव्य दिए हुए हैं, एक को कथन ए से और दूसरे को कथन आर से निरूपित किया गया है। कथन ये क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, कथन ये कह रहा है। और कथन बी क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो अब कथन ये और कारण आर, इन दोनों में आपको बताना है। तो 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों आपका ये तो गलत है, कथन तो गलत है, क्योंकि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गलत, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, यानी कथन ये गलत है। तो कथन ये गलत है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, यानी ये गलत है और आर सही है, ये गलत है आर सही है, 54 नंबर का डी विकल्प होगा, और ये आईएएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 नंबर देखते हैं।
55 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो 55 नंबर में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, विश्वास प्रस्ताव। यदि विश्वास प्रस्ताव नहीं होगा तब एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव ही केवल भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ये यूपीपीसीएस 2006 यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, चार ऑप्शन में आपको चुनना है। और जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों ए विकल्प है, सदन का विघटन। सदन का विघटन जो है विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। और 57 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये आपको बताना है। तो एक तो लोकसभा के प्रति, ये तो सही है। दूसरा है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी सही है। और तीसरा अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, तो ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 1, 2, 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा, 57 नंबर का राइट ऑप्शन बी है। तो दोस्तों वीडियो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, चाहे आईएएस हो, आईएएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, या एसएससी का हो, या झारखंड पीसीएस का हो। क्वेश्चन यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी वन लाइनर इंडियन पॉलिटी देखा होगा तो इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लोशन का ये 18वां लेक्चर है, इसके बाद 2-3 लेक्चर और आएंगे और आपका ये इंडियन पॉलिटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं एनसीईआरटी, उस पर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।